आप सभी का इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। आइए आपको सीधा ले चलते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। पड़ेगी हम पूरी करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंदौर में इंटरनेशनल फ्लाइट आज की आवश्यकता है, क्योंकि आपने स्वयं यह कहा है कि मध्य प्रदेश की अगर कॉमर्शियल बिजनेस कैपिटल अगर कोई है तो वो इंदौर है। इंदौर देश का स्वच्छतम शहर, पहला वाटर प्लस शहर, अद्भुत संभावनाओं से भरा है ये। और केवल मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, ये पूरे मध्य भारत का एक सबसे प्रमुख शहर है, जो औद्योगिक दृष्टि से भी तेजी से उड़ान भर रहा है, एक नया इतिहास रचेगा और हमारे देश की ग्रोथ का इंजन बनने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए इंटरनेशनल फ्लाइट आज भोपाल की और विशेषकर इंदौर की आवश्यकता है। उस दिशा में निश्चित तौर पर आप प्रयास कर ही रहे हैं, जिस भी सहयोग की आवश्यकता होगी। इंदौर के एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन की आवश्यकता है, मैंने निर्देश दे दिए, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। मेरे दिमाग में यह और है कि प्रधानमंत्री जी का छोटे शहरों को हवाई सुविधा से जोड़ने का सपना पूरा करने के लिए अब मध्य प्रदेश के हर जिले में हम हवाई पट्टी बनाएंगे। अभी रीवा, सतना, सिंगरौली, रीवा की जो हमारी हवाई पट्टी वो पूरी तरह से एयरपोर्ट बनने की क्षमता रखती है। सतना में भी हमारे पास पर्याप्त संभावना है, सिंगरौली भी औद्योगिक शहर है, हमारा ऊर्जा धानी है, और हर जिले में एक हवाई पट्टी हो और हमारी कोशिश हो कि हम उसको उड़ान से जोड़ दें। इसके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी होगी हम पूरी ताकत के साथ करेंगे। मैं केवल एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, जो जबलपुरवासी महाकौशल की भावना है और राकेश जी भी जिसके लिए प्रयत्न करते रहे हैं कि हमारे जबलपुर एयरपोर्ट का नाम हमारी गौरव रानी दुर्गावती के नाम से हो जाए, तो मैं समझता हूं कि वो जन भावनाओं का आदर करना होगा। मैं आज समय की सीमा को देखते हुए मैं ये एक बात को और अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, सिंधिया जी आपका, वीके सिंह साहब का, कि संकट के समय हमारे नागरिक हो या दुनिया के दूसरे नागरिक भी हों, उसको निकालने में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अद्भुत काम किया है। जनरल वीके सिंह साहब तो पिछले संकट में ले नहीं पहुंच गए थे हमारे नागरिकों को, पर अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि अफगानिस्तान से एक एक नागरिक आपके नेतृत्व में सुरक्षित निकाल के लाएंगे और एक नया इतिहास रचेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करते हुए, उनका मार्गदर्शन हम सबको सदैव मिलता है, आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तेजी से हम हवाई सेवा के क्षेत्र में, एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश वासियों से मैं कहना चाहता हूं, एयर कनेक्टिविटी मैक्सिमम अधिकतम करते हुए मध्य प्रदेश के विकास को भी उड़ान के माध्यम से, हवाई सेवाओं के माध्यम से भी हम सिंधिया जी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाई प्रदान करके मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित राज्यों की अग्रपथ में खड़ा कर ही चैन की सांस लेंगे। एक बार फिर जबलपुर वासियों को, इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, संजय कुमार जी इंडिगो के हमारे साथी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उड़ाने बढ़ाते रहिए, हम सहयोग करते रहेंगे।